गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल शिल्पा कुकिंग एंड ट्रैवलिंग व्लॉग्स। तो अभी हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन। निकू से हाय। हेलो, हाय गाइस, हाय गाइस। सो अभी हम लोग हैं कैब में और भाई और हम जा रहे हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू। मैंने पहले बोल दिया था बारबेक्यू नेशन, सॉरी। फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो ये चल रही है और ये है हम दो लोग, हम दो ट्विंस। सो वी आर इन। सो अभी हम पहुंच रहे हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू। फाइनली वी रीच्ड। सो हम पहुंच गए थे, हमारा टेबल ऑलरेडी रिजर्व था जहाँ पर भाई और आदि बैठे थे। फिर हमारे लिए पहले आ गई थी पानी पूरी स्टार्टर में, और था स्वीट कॉर्न और अमेरिकन पटैटो चीज़ और बीट रूट समथिंग टिक्की और समथिंग कुछ था। और स्टार्टर बहुत सारे थे और बहुत टेस्टी थे। नॉनवेज के स्टार्टर तो बहुत थे और वो भी अनलिमिटेड फूड। ये था लेग पीस और सीख कबाब, देन प्रॉन्स, फिश, मैनी मोर थिंग टू ईट। बहुत बहुत ज़्यादा था, फूड भी बहुत टेस्टी था। हम सबका रिव्यू था, फूड आर रियली बेस्ट। दीदी ने, आदि ने, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। जहाँ पर स्टार्टर में मेन पानी पूरी और कॉर्न चाट और चाट पापड़ी, दही पापड़ी, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। पास्ता था, इटालियन फूड था, आप सी फूड देख सकते हो, फिश भी बहुत था, बोनलेस मीन्स बिल्कुल भी एकदम टेस्टी। और फिश जो था वो भी एकदम माउथ मेल्टिंग था जो मुँह में रखते ही। और प्रॉन्स फ्राई था, प्रॉन्स ग्रिल था, मीन्स जो नॉनवेज लवर है उनके लिए तो बेस्ट 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 ये है प्लेस। डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। और हमें कॉम्प्लीमेंट्री में ड्रिंक भी मिला था जिसमें था ऑप्शन थे यू कैन चूज़ ब्लू एंजल, मोहितो, विच एवर यू वॉन्ट वी हैव द चॉइसेस। सो वो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक था, आम पन्ना था, लस्सी थी, और वेज वालों के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे, पनीर एंड पनीर, पाइन एप्पल, मशरूम, ग्रिल्ड पनीर, ग्रिल्ड वाटरमेलन, और ये सारे सैलेड वगैरह समथिंग कुछ था। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए जहाँ पे दीदी, मैं, भाई, निको और आदि, युवू। सो ये सारे फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद, और ये जो स्पेशल ट्रीट था वो भाई और निको की तरफ से था, उन लोगों ने हम लोगों को ट्रीट दी थी। और लास्ट ईयर भी उन्होंने बोला था दीदी हम जाएंगे यहाँ पर, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ एंड दिस टाइम। और उसके पहले जो आपने देखा वो आइसक्रीम था, ये था मेन कोर्स, जो वेज, नॉन वेज, मटन, चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, फिश प्रॉन्स पुलाव, सैलेड, और वेज वालों के लिए भी था वेज बिरयानी एंड देन नूडल्स, चाइनीज़ के आइटम थे कुछ, छोले पनीर और पालक पनीर, दाल, राइस, मखनी, दाल मखनी। और यहाँ का वेज पनीर और छोले इट्स सुपर डिलीशियस। और नॉनवेज का भी बिरयानी बहुत टेस्टी था। मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ बट मेरी दीदी और भाई सब ने खाया था तो बहुत टेस्टी था। और ये था इसका प्लेटर डेजर्ट का। फिर यूवी का बर्थडे था तो हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। युवांश ने केक कटिंग किया और केक उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था। सो बहुत 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 इन्जॉय किया हमने। सो ये था मेरा भाई के इधर का व्लॉग। ये सारे स्टाफ भी क्लैपिंग कर रहे थे, बहुत बहुत मज़ा आया। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो सो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फिर बाद में ध्रुवी को ये लाइव आइसक्रीम बनानी थी, आइसक्रीम रोल, तो उन्होंने परमिट किया था कि आप बना सकते हो। तो ध्रुविका ने शेफ़ कोट पहना था, ये एप्रन पहना था, शेफ़ कैप पहनी थी और वो बनाने लगी थी आइसक्रीम। और वो बहुत जल्दी फ्रोज़ हो रहा था तो फिर मैंने भी उसकी हेल्प की, बहुत मज़ा आया बहुत। और स्टाफ तो सुपर सुपर है, बहुत अच्छा फूड, बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छा एम्बियंस,
बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू निकू, थैंक यू भाई फॉर दिस वंडरफुल ट्रिप। मेरी तरफ से भी भाई और निकू को थैंक यू फॉर दिस ट्रीट। यहाँ पर ध्रुविका ने आइसक्रीम बनाई थी, आइसक्रीम गोल, फिर उससे थोड़ा सा ये हो रहा था, फिर मैंने थोड़ी सी हेल्प की, बहुत अच्छा आइसक्रीम बन गया था। फिर हमने खाना खा लिया, फिर हम निकल गए। कैसा था फूड? बहुत टेस्टी, नाइस, और बहुत हैवी, ओवरलोडेड, फुल, सही में ओवरलोडेड ही है। टेस्टी तो था, मैं तो चला भी नहीं जा रहा, इतना खा लिया मैंने। थैंक यू मामी फॉर दिस वंडरफुल ट्रीट। थैंक यू बच्चा। We even can't even walk. तो अभी थोड़ा सा जीजू लोगों के साथ बोल, जीजू वी मिस यू, नेक्स्ट टाइम आप आना हमारे साथ यहाँ पर।